करके दिखाते हैं कि सर्व करके एकदम परफेक्ट। ये देखिए, ना ये सूखी है ना ये पतली है, बढ़िया बनी है, लबाबदार। तो ये देखिए, आपको दिखाते हैं सर्व करके कि कितनी डिलीशियस हमारी सब्जी बनकी तैयार हुई है और बहुत टेस्टी दिख रही है। देखने में ही मन कर रहा है खा लो फटाफट से गर्मा गर्म फुलके, और हमारी सब्जी एकदम तैयार। ये देखिए, और सबसे आखिरी में धनिया, बस हो गई हमारी सब्जी बनके तैयार। ये देखिए, तो आप भी बनाइए, बहुत सुपर टेस्टी सब्जी, बहुत अच्छी लगती है खाने में, बनाने में, और बहुत इजीली 5 मिनट में बन जाती है। इतनी अच्छी ग्रेवी और बहुत टेस्टी है, सुपर टेस्टी। तो गर्मा गर्म रोटियों के साथ इसे खाइए और मज़े करिए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो रेसिपी है ना, वो सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों से बनाने वाले हैं। इन्हीं चीज़ों से मतलब सिर्फ अनियन, कैप्सिकम, टमाटो और दही और मलाई, इससे बनाएंगे हम शाही प्याज की सब्जी। तो बहुत अच्छी, मतलब जब घर में कुछ ना हो ना, तब आप इसे बनाइए, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए, नॉर्मली तो आप प्याज की सब्जी बनाते रहते होंगे, कैसे बनाते हैं, बट ये इतने शाही अंदाज़ में बनेगी ना कि बच्चे भी चटाचट करके फटाफट से खा जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले इन सबको इस तरह से बड़ा बड़े स्लाइस में आपको काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बिल्कुल बड़े बड़े स्लाइस रखने हैं जो अच्छे से दिखें। और जो भी आपके पास हो, रेड येलो, वो भी कैप्सिकम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बड़े बड़े स्लाइस ही टमाटर के काटने हैं, तो ये हमने ऐड कर लिए हैं। अब फटाफट से इसकी प्रोसेस चालू करते हैं। देखना, विथ इन 5 to 6 मिनट ये बन के रेडी हो जाएगी, मतलब वीडियो के लिए नहीं, ये नॉर्मली 5 to 6 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो हम बनाना चालू करते हैं, जल्दी से बन जाएगी, फटाफट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मिक्स कर रखा है, इसको अच्छे से मिक्स करो और इसमें डालो दही, जो आपका दही है उसे डालो, और इसके बाद इसमें डालो इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो इसमें चाहिए उतना नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब इसमें डालो और करो बढ़िया तरीके से मिक्स। इस तरह से ये इसमें अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और सब बढ़िया से सेट हो जाए। तो बस इसे इस तरह से मिक्स कर लो। ये देखिए, ये सारी चीज़ों में मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे दही का जो फ्लेवर है और मसाले हैं वो इसमें अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब कर लेते हैं हम अपनी कढ़ाई को गरम, और जिससे उसमें ऑयल डाल के वो हो जाएगी गरम। तो ये देखिए, इस तरह से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, इसमें हमने तेल डाला वो भी गरम, और जीरा डालेंगे, और जीरा डाल के थोड़ा सा इसे पकने देंगे, और इसके बाद ये जो हमारा मिक्स किया हुआ रखा था ना, बस इसे ऐड कर देंगे। ये कर दिया हमने ऐड, और इसे अब चलाने देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस तरह से छोड़ देते हैं।
बस अब ये पक रही है, इसमें डाल देंगे हमारे टमाटर जो हमने बड़े बड़े पीस में काट रखे थे, उन्हें भी डालना है और डालना है हमारे बाकी के मसाले जो हमें इसमें ऐड करने हैं। तो पहले हमने दही के अकॉर्डिंग सारे मसाले डाले थे, अब डालेंगे इसके अकॉर्डिंग इसमें जीरा और मिर्ची और नमक। ये देखिए, और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे पकने के लिए, जिससे ये हमारी सारी वेजिटेबल अच्छे से पक जाएगी। तो अभी हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम खूब सारी मलाई और टमाटो केचप, क्योंकि ये ना मीठी मीठी सी ही अच्छी लगती है, ऐसे नहीं अच्छी लगेगी। बस ये देखिए, अब इसमें ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। ये अब कलर देखकर ही समझ जाओगे कि खाने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है। बस अब आप चाहो तो इसी में पनीर के पीसेस मिला लो तो ये कढ़ाई पनीर हो जाएगा। बट तो बस ये हमारी सब्जी बनके हो गई तैयार, एकदम परफेक्ट। लुक आप देख ही रहे हो, बच्चे अपने आप खा लेंगे। अब इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं, सर्व करके एकदम परफेक्ट। ये देखिए, ना ये सूखी है ना ये पतली है, बढ़िया बनी है, लबाबदार। तो ये देखिए, आपको दिखाते हैं सर्व करके कि कितनी डिलीशियस हमारी सब्जी बनकी तैयार हुई है और बहुत टेस्टी दिख रही है, देखने में ही मन कर रहा है खा लो फटाफट से गर्मा गर्म फुलके। और हमारी सब्जी एकदम तैयार, ये देखिए। और सबसे आखिरी में धनिया, बस हो गई हमारी सब्जी बनके तैयार। ये देखिए, तो आप भी बनाइए, बहुत सुपर टेस्टी सब्जी, बहुत अच्छी लगती है खाने में, बनाने में, और बहुत इजीली 5 मिनट में बन जाती है। इतनी अच्छी ग्रेवी और बहुत टेस्टी है, सुपर टेस्टी। तो गर्मा गर्म रोटियों के साथ इसे खाइए और मज़े करिए।